नमस्ते, आज मैं आपके लिए इमली की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आप दही वड़ा और चाट के साथ बना के खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पर मैंने एक प्लेट मार्केट वाली इमली ली है। इसमें इमली के बीज होंगे, हम अभी साफ नहीं करेंगे। जब इमली का पानी हम छानेंगे तब ये बीज अपने आप निकल जाएंगे। इसे मैं गर्म पानी में भिगोऊंगी आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हो चुका है, इमली अच्छे से भीग चुकी है। अब हम इसे गैस पे पकाएंगे थोड़ी देर के लिए ताकि इमली का जितना भी जूस होगा वो निकल जाए अच्छे से। इमली अच्छे से पक चुकी है, अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम इमली का पानी छान लेंगे। देखिए, इस तरीके से हमको इमली का पानी छान लेना है। थोड़ा हम ठंडा पानी मिलाएंगे इसमें। अब थोड़ा ठंडा पानी मिलाकर इसे हाथ से इस तरीके से करना है हमको ताकि इमली का जो जूस है वो अच्छे से निकल जाए। इस तरह हाथ से निचोड़ना है हमको। हमने इमली के बीज साफ नहीं किए थे। देखिए दोस्तों, जब हम पानी छान रहे हैं तो ये बीज अपने आप निकल रहे हैं, हमें डबल मेहनत नहीं करनी पड़ी। देखिए दोस्तों, हमने इमली का पानी छान लिया है, इमली का जितना भी कचरा था वो हमने निकाल दिया है। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल रखा है। तेल गर्म होने पर मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा और थोड़ा सा हींग पाउडर। हींग के पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा चटनी में। इमली का पानी इसमें डाल देंगे जो हमने छाना है और इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे हम। दो तीन अच्छे उबाल आने के बाद इसमें हम डालेंगे गुड़। इमली का पानी अच्छे से पक चुका है, अब हम इसमें गुड़ मिलाएंगे। यहाँ पर मैं दो तरह के गुड़ यूज़ कर रही हूँ, एक तो नॉर्मल गुड़ और एक ये पीसेस में जो आता है मार्केट में, ये भी मैं डाल रही हूँ। इनको मैंने धोकर डाला है। थोड़ी सी शक्कर भी मैंने डाली है। अब हम गुड़ को अच्छे से पिघलने देंगे, मीडियम फ्लेम पे पकाते रहेंगे इसको। सौंफ का पाउडर मैंने मिक्सी में पीसा है, ये एक चम्मच डालूंगी मैं। एक चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, एक चम्मच काला नमक और एक चम्मच नॉर्मल नमक डालेंगे इसमें। सभी को अच्छे से मिला लेंगे हम। एक चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इमली की चटनी अच्छे से पक चुकी है, अब इसमें हम थोड़े से खरबूजे के बीज डालेंगे, जिसे मगज के बीज भी बोलते हैं। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हमारी इमली की चटनी बन चुकी है, अब हम गैस बंद कर देंगे। जैसे जैसे ये ठंडी होगी वैसे वैसे ये गाढ़ी होती जाएगी। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भरकर फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हमारी इमली की चटनी बनकर एकदम तैयार है। अभी ये थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है तो ये थोड़ी गाढ़ी हो गई है। जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी वैसे वैसे और गाढ़ी होती जाएगी। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।